फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक ने अपने इन्वेस्टर को माला माल कर दिया है। पिछले एक महीने में लगभग 50% का रिटर्न मिल चुका है, बहुत ही शानदार रिटर्न मिला है। और उसके पीछे वजह बनी है रोज आने वाली पॉजिटिव न्यूज। जैसे ही थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनती है, एक जबरदस्त पॉजिटिव न्यूज आ जाती है और फिर वो जो माहौल बनता है वो गिरावट का, वो वहाँ पे रुक जाता है और फिर एक नई तेजी बन जाती है। और ये लगातार 4 से 5 दिन से हो रहा है और इसी का नतीजा है कि ये इसमें बहुत बड़ी बढ़त हो गई है। एक तरफ तो इसका जो सर्किट 10% पे आ गया और सामने पॉजिटिव न्यूज इतनी स्ट्रांग आने लगी कि अब इसे किसी के रोके ये रुकने वाला नहीं है। और इसी का नतीजा है कि इसमें अब एकदम ये 19 रुपये तक 10% सर्किट पे चला गया है और अभी आगे और इसमें तेजी की संभावना बन रही है। और उसके पीछे वजह है बहुत बड़ी एक न्यूज। ब्रिक वर्क रेटिंग एजेंसी ने अपनी रेटिंग को बढ़ा दिया है। ब्रिक वर्क रेटिंग एजेंसी एक सेबी द्वारा रजिस्टर्ड और RBI द्वारा मान्यता प्राप्त बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है और उसके द्वारा रेटिंग को अपग्रेड करना यानी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल गया है यस बैंक को। अब यस बैंक किसी के रोके रुकने वाला नहीं है और इसी वजह से इसके जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो भी चेंज हो चुके हैं। अब इसके टारगेट भी बढ़ गए हैं, इसकी लेंथ भी बढ़ गई है। तो वो क्या अभी नई लेंथ बन रही है वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी और साथ में इसके क्या टारगेट अभी चेंज हो चुके हैं वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और अब आपको इसको लेके क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी मार्केट शुरू है, अभी करीब 2 बजे के आसपास का टाइम है, परंतु स्टॉक में अपर सर्किट लग चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। आज बहुत ही भयंकर वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम ही हमें दिखा रहा है कि इसमें और ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना बन रही है और ये स्टॉक अब नई बहुत ऊँची हाई बनाने के लिए तैयार हो चुका है। पहले हम आज के ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। आज यस बैंक का स्टॉक 18.25 पर ओपन हुआ, फिर इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनी और ये लो में 18.05 तक गया, लेकिन फिर इसमें जबरदस्त तेजी बनी क्योंकि जो न्यूज आ गई सामने रेटिंग एजेंसी की रेटिंग अपग्रेड करने की और इसकी वजह से भयंकर तेजी बनी और इसमें सीधा ये चला गया है 19 पर, करीब 10% सर्किट पर। उसके अंदर इसमें बहुत सारी ट्रेडिंग भी हुई है, दिन में सर्किट लगने के बाद सर्किट फिर खुला भी था और इसमें कामकाज भी हुआ और वॉल्यूम बहुत भयंकर हुआ है। अब वॉल्यूम की भी बात कर लेते हैं। BSE में करीब 10,04,07,929 शेयरों ट्रेडिंग हुई है और सामने 5,46,52,036 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज बन रहा है 54.43%। अब आप देख लो, इतनी बड़ी भयंकर मात्रा में अगर डिलीवरी बेस काम हो रहा है तो ये स्टॉक तो रोके रुकने वाला नहीं है, इसमें अब और ज़बरदस्त तेज़ी आगे भी बन सकती है। अब हम चलेंगे NSE की तरफ। 47,62,52,188 शेयरों की वॉल्यूम हुई है, बहुत ही भारी मात्रा में वॉल्यूम हुई है। पिछले कितने दिनों से जो वॉल्यूम हो रही है उससे ज़्यादा ज़बरदस्त वॉल्यूम हुई है और वॉल्यूम के मामले में ये आज नंबर 1 है बाजार में। डिलीवरी बेस काम देख लेते हैं। 17,55,53,525 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 36.86%। और अभी मार्केट शुरू है, इसमें और वॉल्यूम बढ़ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात तो क्लियर समझ में आ गई है, इसमें अब जो पुरानी लेंथ थी वो टूट चुकी है। इसकी अब जो नई लेंथ बनने वाली है फ्रेंड, वो है 17 से लेकर 21 की। वैसे तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही थी, जो हमने पिछली बार इसकी जो लेंथ बताई थी आपको फ्रेंड वो 14 से 17 की थी, परंतु ये पॉजिटिव न्यूज जबरदस्त एक और निकल के आ गई। ब्रिक वर्क ने Tier 1 सबॉर्डिनेटेड परपेचुअल बॉन्ड्स BEST 2 की रेटिंग को BWRD से BWR BB+ स्टेबल कर दिया है, यानी जो उसकी पुरानी रेटिंग थी BWRD उसको अब बदल के उन्होंने कर दिया है, उसको अपग्रेड कर दिया है BWR BB+ स्टेबल, यानी रेटिंग को बहुत ऊपर ले गई है। और उसके जो पीछे रीजन दिया है उन्होंने, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटलाइजेशन रेशियो ऑफ बैंक, और सेकंड है स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डर बेस, और तीसरा उन्होंने जो रीजन दिया वो है एक्सपीरियंस बोर्ड मेंबर। जैसे आपको पता ही है SBI की इसके अंदर 30% की स्टेक ली हुई है यस बैंक के अंदर और SBI ही अपना पूरा मैनेजमेंट देख रही है और SBI की तरफ से ही CEO और MD प्रशांत कुमार को नियुक्त किया गया है। और जब से MD प्रशांत कुमार ने इस बैंक की जिम्मेदारी संभाली है, उन्होंने एक के बाद ऐसे जबरदस्त निर्णय लिए और उसका असर ये हुआ कि बहुत ही कम समय में, यानी अभी तक तो 1 साल भी नहीं हुआ है,
और इसी कम समय के दरमियान उन्होंने बैंक को एक बहुत ही ऊपर तक लेकर आ गए हैं और आज चारों बाजू यस बैंक की ही चर्चा है। आपको पता ही होगा पिछले दिनों हमने देखा था गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला वर्ड यस बैंक है। ये एक मजबूती दिखा रही है यस बैंक की कि आप सोच लो इतना कोई भी इतना जल्दी अचीवमेंट नहीं कर सकता है। बहुत सारे इसके जो इसको क्रिटिसाइज़ करने वाले भी थे, इसको गिराने वाले भी थे, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत निगेटिविटी फैलाने की कोशिश की लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए क्योंकि एक्चुअल में बैंक के अंदर लगातार काम हो रहा था। ये कोई हवा हवाई मामला नहीं था, लगातार बैंक रोज़ नए डिसीजन ले रही थी और रोज़ ये स्टॉक न्यूज़ में रह रहा था और इसी का नतीजा है कि आज ये पोजिशन यहाँ तक आ गई है कि जो इसकी अब जो प्राइस लेंथ है वो बढ़ चुकी है और लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल चुका है। करीब लोग 50% प्रॉफिट इस महीने में कमा चुके और आगे भी इसमें अब तेज़ी की संभावना बन रही है। जिस तरह से आज अपर सर्किट लगा है कल भी इसमें और 10% की प्रॉफिट की संभावना आराम से बन रही है। तो इसकी अब जो नई लेंथ बनी है वो 17 से लेकर 21 की लेंथ है हमारे हिसाब से बन रही है। उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इसमें आ सकती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ये 21 पे रुकने वाला है। इसमें तो अब ये लार्ज कैप की तरफ जा रहा है, यह MFI के लार्ज कैप कैटेगरी में जब जाएगा तो इसके बाद तो इसकी लेंथ बढ़नी बढ़नी है क्योंकि पहले जो ये स्टॉक था एक रिस्की स्टॉक कहा जाता था, अब ये एक सेफ स्टॉक कहा जा रहा है तो इसका असर आने वाला है और इसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। वैसे हम इसका जो एक साल का भी टारगेट रखे हुए 68 का उसको हम स्टेबल ही रख रहे हैं। मेरे हिसाब से एक ये इसके लिए एक बहुत अच्छी प्राइस है, वहाँ तक ये जा सकता है, इन्वेस्टर को भी इसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन मिड टर्म टारगेट भी बढ़ सकता है, जो हमने 25 का टारगेट दिया था वो टारगेट भी अब 30 तक जाने की संभावना बन रही है इस तेज़ी के दौरान। और फिलहाल अगर आपने बहुत नीचे लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया है तो आप इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं थोड़े दिन के बाद। अभी इसमें एक दो दिन की और ज़बरदस्त तेज़ी दिख रही है, उसके बाद आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो कर सकते हैं। परंतु जो न्यूज़ निकल के आ रही है पॉजिटिव वो इस शेयर को और बढ़ा रही है, इसकी प्राइस को और आगे लेके जा रही है और इसी वजह से हम इसको पूरी तरह से अपना नज़रिया क्लियर नहीं कर पा रहे क्योंकि लगातार पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ जाती है और इसी का असर है बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ उस प्रॉफिट बुकिंग की संभावना को भी खत्म कर देती है और इसी वजह से इसकी जो प्राइस है एक तरफा बढ़ रही है। परंतु थोड़ा सा ये भी लगता है कि बहुत ज़बरदस्त ये 12 रुपये 12.5 से जब इसकी शुरुआत हुई है तो ये करीब अगर 20 रुपये के आसपास चला जाएगा तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही आनी है। तो मेरे हिसाब से कभी भी इसमें 3 से 4 रुपये का फिर डाउनफॉल भी आ सकता है ऊपरी लेवल से। तो मौका मिलता है तो आपको थोड़े ऊपर लेवल पे इसमें प्रॉफिट बुक तो करना ही चाहिए क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में कमाने के लिए आए। अगर सिर्फ बढ़ती हुई रेट को देखेंगे, आपने 12 रुपये 13 रुपये के भाव से खरीदा हुआ है लेकिन अब 20 रुपये के आसपास भी अगर आप उसको नहीं बेचते हो और वो रिटर्न हो जाता फिर 15 पे आ जाएगा तो कुछ फ़ायदा नहीं मिलता आपको। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपने अपना नज़रिया लॉन्ग टर्म का रखा है तो आपको इसमें कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से ये टारगेट इसका 68 का बना हुआ है तो आपको क्या घबराने की जरूरत है, एक साल के बाद आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है और लंबा रखोगे तो और ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है आने वाले समय में। जब मेरी जो आशा है मैंने आपको पहले ही बताया, मैं इसको top 3 बैंक में गिनता हूँ इंडिया की जिस तरह से ये काम कर रही है। आज आपको ये बात बड़ी लगेगी, ये हो नहीं सकता है, लेकिन मेरा जो नज़रिया कह रहा है जिस तरह से इसमें यस बैंक का मैनेजमेंट काम कर रहा है आने वाले समय में top 3 बैंक में आ सकता है। और जैसा अगर ये हो गया तो इसकी जो प्राइस है आप जो कभी नहीं सोचोगे वो प्राइस इसकी आ सकती है, तो वो आपको सोचना है। अगर आपको ज़्यादा लंबा कमाना है तो अपने नज़रिए को लंबा रखो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो प्रॉफिट भी बुक करते रहिए क्योंकि ये स्टॉक मार्केट का नियम है, जैसे मिले अच्छा प्रॉफिट तो ले ले। तो इस तरह से यस बैंक को लेकर अब जो एक बात क्लियर हो चुकी है, यह स्टॉक बहुत ही ज़्यादा मजबूत बन चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।